हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, कॉलेज का अलॉटमेंट आपके लेटर आ चुके हैं और दो और तीन को आपके छुट्टी थी, इस वजह से आप कॉलेजों में रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए। बैंक वगैरह में डीडी आपने सभी ने नहीं बनवाई, लेकिन अब आपके पास है डीडी बनवाने का टाइम। आप चाहते हो कि डीडी, मैंने बताया, उस अकॉर्डिंग आप डीडी घर से बनवा के ले जाना चाहते हो, बाकी आपकी मर्जी, आप खुद वहाँ पर जाके बना सकते हो। मेरा कुछ भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यही आपको आएगी कि आपको वहाँ जाकर इधर उधर टहलना पड़ेगा, बैंक वाले वहाँ आपके सुनेंगे नहीं, और इधर तो आपका जानकार बैंक वाला रहेगा तो आपकी डीडी बनाने में थोड़ी जल्दी कर देगा, लेकिन वहाँ बैंक वाले वगैरह कोई आपके सुनेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप घर से डीडी बनवा कर ले जाइए, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है डीडी बनाने में। बस मैं इस वीडियो में इतना बताऊंगा आपको कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा की डीडी किस प्रकार बनेगी, किस नाम से डीडी आपकी बनने वाली है। मैं हर एक कॉलेज की डीडी का नाम आपको बताने वाला हूं, लेकिन आप सभी लोग सपोर्ट करें तब, क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करें तो कोई बात नहीं, जो मुझे जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं बताता जाऊँगा, क्योंकि आप सभी लोगों को ही डिमांड होनी चाहिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको मैं डीडी के लिए बारे में बताऊँ, लेकिन आप सभी को डिमांड नहीं है तो मैं फिर जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे मैं बता देता हूँ। आज कोटा की बात करेंगे, मैंने बीकानेर की मैं आपके लिए बता चुका हूँ बीकानेर की डीडी किस नाम से बनेगी और कोटा की डीडी किस नाम से बनेगी, तो देख लो आप सभी, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो सके और आपको ज़्यादा घूमना ना पड़े। एफिडेविट की टेंशन मत लो, एफिडेविट हर कॉलेज के पास या तो कोई वकील आपको मिल जाता है या कोई मित्रा के शॉप है वहाँ पर आपका एफिडेविट बन जाता है। एफिडेविट की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जो भी आपको दिक्कत आएगी वो डीडी की आएगी और हेल्थ सर्टिफिकेट की आएगी, तो हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए आप। हेल्थ सर्टिफिकेट में भी आपको पूरा दिन खराब हो जाता है, हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने में भी पूरा एक दिन या दो दिन खराब हो जाते हैं, फिर भी आपके हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते। लेकिन आप सभी अगर सपोर्ट करो तो चाहे तो बनवाने की प्रोसेस पूरी मैं बता चुका हूँ, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। हम इसमें डीडी की बात कर लेते हैं, कोटा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा की डीडी किस नाम से बनने वाली है, तो आप डीडी का नाम देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स लगा रखा है, जो डॉक्यूमेंट्स आप सभी के सामने हैं, किस नाम से हैं कि पीस डीडी सुपरिटेंडेंट एंड मेंबर सेक्रेटरी आरएमआरएस एमबीएस हॉस्पिटल कोटा, इस नाम से आपकी डीडी बनने वाली है। बिल्कुल आप नाम अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए दोस्तों, देख लीजिए क्या नाम रहने वाला है, पूरी तरह से देखिए आप इस नाम को कि सुपरिटेंडेंट एंड मेंबर सेक्रेटरी r.m.s.m.b.s.hospital.kota, पूरी तरह से कोमा का डॉट का किसी भी तरह की अगर कोई भी गलती रहती है तो किसी किसी कॉलेज वाले नहीं लेते, बाकी कोटा वाले कॉलेज वाले आपसे इसमें अगर थोड़ी सी गलती भी रह जाती, डॉट वगैरह गलती रह जाती तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी डीडी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी बीकानेर की मैं बता दूं, बीकानेर की मैंने कल आपको डीडी बताई थी, अगर इतनी सी भी डॉट की भी गलती रह जाती तो आपकी डीडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात मैं आपसे कल भी बोल चुका था और अभी भी बोल रहा हूँ। कोटा वाले में अगर डॉट में अगर सुपरिटेंडेंट की जगह अगर आप सुपर भी लिखवा के ले आते हो, सुपर और डॉट लगवा लेते हो, तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने जो कल मैंने बीकानेर की बताई थी उसमें अगर 1% भी गलती रह जाती है, 0.01% भी गलती रह जाती है तो आपकी डीडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये इस नाम से बनने वाली कोटा की डीडी, बाकी आपको अजमेर अलवर भरतपुर सभी कॉलेजेस की अलग अलग डीडी के नाम भी हम आपको वन बाय वन प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों जिसकी जिस हिसाब से डिमांड आ रही है उस हिसाब से हम डीडी दे रहे हैं। जैसे आप कोटा की आई थी, कोटा की मेरे पास कॉल आ रहे थे, कोटा की बता दी, बीकानेर की आ रही थी, बीकानेर की मैंने बता दी, मैसेज आ रहे थे बीकानेर के लिए तो मैंने बीकानेर की बता दी। अब हम बात करेंगे, जैसे आप नए आएगा तो किसकी बात करने वाले, जैसे जो डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, टेक केयर्स।